दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आखिर वजह क्या है कि महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी जैसी एक संगठित, अनुशासित, बेहद व्यवस्थित पार्टी ने अपने फैसले दो बार ताबड़तोड़ बदल डाले। पहला फैसला जो बदला गया वो ये कि चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी को होना था, जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर पहले रह चुके हैं, बड़े नेता हैं पार्टी के अंदर। महाराष्ट्र में उनसे बड़ा नेता आजकल कोई नहीं माना जाता। नितिन गडकरी को भी एक तरह से कहा जाता है कि अब देवेंद्र फडणवीस ने उनको रिप्लेस कर रखा है कद में पार्टी के अंदर। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर न बनाकर फैसला किया आला कमान ने कि एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और देवेंद्र फडणवीस जो है सरकार से बाहर रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस को जब ये सब समाचार मिला, टेलीविजन वालों ने भी उनसे पूछा, अखबार वालों ने भी पूछा, उस वक्त उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, बहुत मायूस थे। देखने से साफ लगता था कि वो शॉक हैं, वो बेहद स्तब्ध हैं और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर क्षोभ की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। फिर कुछ देर बाद फैसला होता है कि चीफ मिनिस्टर तो एकनाथ शिंदे ही होंगे लेकिन डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस होंगे। और इसके पहले देवेंद्र फडणवीस ने बयान दे दिया था कि वो सरकार से बाहर रहेंगे और सरकार की मजबूती के लिए काम करेंगे। तो ये कुछ ही घंटे में क्या हो गया और क्यों हो गया? दोस्तों सच ये है, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण चाहे जो कहें कि नहीं नहीं ये तो बहुत पहले से तय था, बिल्कुल नहीं, ये पहले से तय नहीं था। पहले से यही तय था कि एकनाथ शिंदे साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार यानी अपने नेता की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनाए और फिर जो राज्य के 14-15 बड़े कॉरपोरेशंस हैं उनके इलेक्शंस जो सितंबर में होने हैं उसमें जमकर ये गठबंधन लड़े और शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन को शिकस्त दे और फिर 2024 की तैयारी करें। असल कहानी यही थी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को बनना था, फडणवीस साहब को चीफ मिनिस्टर बनना था। ये दरअसल गुवाहाटी से गोवा की यात्रा में ये जो बात हुई वो शिंदे गुट के जो शिव सैनिक हैं उन्होंने एक तरह से दबाव डाला अपने नेता पर कि अब जो स्थिति आई है, उद्धव ठाकरे साहब ने जो कदम उठाया बीती शाम इस्तीफा देकर, उसके बाद शिवसेना में हम लोगों की स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी। बताया जाता है कि एकनाथ शिंदे गुट के कई शिव सैनिक जो विधायक हैं वो उद्धव ठाकरे की तरफ लौटने की भी बात करने लगे थे, भले ही खुलकर नहीं कर रहे थे लेकिन उनका संपर्क बना हुआ था। 8 से लेकर 10 विधायकों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे की सज्जनता, शालीनता और जिस तरह का उन्होंने बीती शाम राजनीतिक सूझबूझ से यह कहते हुए इस्तीफा दिया कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि शिवसेना के गुटों में लड़ाई हो और किसी भी शिव सैनिक का, चाहे वो इस खेमे का हो चाहे उस खेमे का हो, खून बहे सड़क पर। उनके इस वक्तव्य का बहुत असर पड़ा और कम से कम दस विधायकों के बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन है कि वो उद्धव ठाकरे कैंप के संपर्क में थे। जब गोवा में दबाव डाला गया कि हरगिज हमें देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार नहीं पसंद है, ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग मंत्री बने और एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बने तभी बात बनेगी, और एकनाथ शिंदे के
ऊपर जब ये दबाव पड़ा तो मन तो उनका खुश हुआ, मन खुश हुआ, लेकिन सवाल इस बात का है कि वो भारतीय आला कमान को कैसे मनाते इतने बड़े फैसले के लिए। लेकिन जब भारतीय आला कमान, भारतीय जनता पार्टी आला कमान को ये बताया गया शिंदे साहब की तरफ से कि शिव सैनिक में असंतोष होगा और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को वैधता मिलेगी, बड़ी ताकत उनको मिलेगी, कॉरपोरेशन इलेक्शन से पहले एक ध्रुवीकरण हो जाएगा, हमारे लोग टूट जाएंगे और सरकार गिर जाएगी, जब ये बात समझ में आई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो उनको लगा कि 2024 का मकसद ही फेल हो जाएगा महाराष्ट्र में। तब उन्होंने आनंद फानंद में एकनाथ शिंदे की बात मान ली और उनको चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला किया गया। अब सवाल इस बात का है कि देवेंद्र फडणवीस को तो बिल्कुल नहीं मालूम था, जैसे ही उनको पता चला उनका चेहरा फक, बहुत दुखी हुए, बहुत ही स्तब्ध रह गए और फिर उन्होंने कहा कि वो सरकार से बाहर रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनका सबसे बड़ा नेता सरकार से बाहर रहे, क्योंकि जिस व्यक्ति पर उनको सबसे अधिक भरोसा था अपनी पार्टी में बड़े पद पर रखने के लिए वो देवेंद्र फडणवीस थे, और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कॉरपोरेशन इलेक्शन हो चाहे 2024 का लोकसभा इलेक्शन हो, उसके पहले वाणिज्य नगरी और देश का जो माना जाता है कि सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड, वन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड सबसे ज्यादा स्टेट है महाराष्ट्र, और जहां पर देश के तमाम कॉरपोरेट का सदर मुकाम है, वहां की सरकार में टॉप लेवल पर उन लोगों की कोई नुमाइंदगी ना हो। तब यह सोचा गया कि देवेंद्र फडणवीस को टॉप जो मिनिस्ट्रीज हैं उनका इंचार्ज बना करके डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और एक तरह से राजनीतिक कमान देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगी। संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री भले एकनाथ शिंदे होंगे लेकिन सरकार चलाएंगे देवेंद्र फडणवीस। वैसे भी एकनाथ शिंदे के बारे में कहा जाता है कि वो बुनियादी तौर पर जमीनी नेता है, वो स्ट्रीट फाइटर से बड़े नेता बने हैं, तो कुल मिलाकर बहुत सारा जो प्रशासनिक और राजनीतिक कौशल चाहिए, चाहे वो चुनाव लड़ने के लिए चाहे वो शासन चलाने के लिए, वो एकनाथ शिंदे के पास नहीं है, वो जो है देवेंद्र फडणवीस के पास है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस के पास ही कमान रहेगी अगर वास्तविक कमान की बात की जाए सरकार की। शिक्षा दीक्षा के मामले में भी देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के मुकाबले बहुत बेहतर है। जो मैंने अभी इंटरनेट पर एकनाथ शिंदे साहब की शिक्षा दीक्षा का जो बैकग्राउंड या उनकी पृष्ठभूमि देखी, उसमें 11th क्लास पास वो बताए जाते हैं। उन्होंने अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से, अपने जुझारूपन से यह मुकाम हासिल किया है। साधारण घर में पैदा हुए, बेहद साधारण। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि कैसे ये हुआ, क्यों हुआ, यह भी बीजेपी को बात समझ में आई कि शिवसेना के एक आदमी को अपदस्थ करके जो हमारा मुख्यमंत्री जब बैठेगा और वह भी ब्राह्मण समुदाय से, तो महाराष्ट्र के मराठा लोगों में और खासकर ओबीसी लोगों में क्या प्रतिक्रिया इसकी होगी। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के मुकाबले एकनाथ शिंदे बेहतर च्वाइस दिखाई पड़े। वैसे भी सुबह से ही कमेंट होने लगे थे कि महाराष्ट्र में एक बार फिर कमान जो है अपर कास्ट के हाथ में बीजेपी ने सौंप दी है या सौंपने जा रही है, तो इस छेप को भी मिटाना था, यह भी एक पहलू जुड़ गया उसमें। लेकिन जो दोस्तों राजनीतिक रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर पार्टी कन्विंस हुई, और वो ये था कि शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे ने उनको बात समझाई थी कि शिवसेना में उद्धव ठाकरे की पकड़ को खत्म करना, शिवसेना पर पूरी तरह कब्जा करना, अगर यह मकसद भारतीय जनता पार्टी का है तो उसमें एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री के रूप में बेहतर साबित होंगे, देवेंद्र फडणवीस नहीं। देवेंद्र फडणवीस के मुकाबले एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्रित्व में ही भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली असली जो शिवसेना है उसको नकली बना सकती है, उसको बेमतलब बना सकती है। ये जो आर्गुमेंट है वो बीजेपी के टॉप लीडरशिप, टॉप का जब मैं बात कह रहा हूं तो वाकई टॉप,
उनको कन्विंसिंग लगी। और दोस्तों बहुत सारी व्याख्याएं पहले से भी की जा रही थी, बीजेपी के नेताओं के दिमाग में बात यह भी आ गई कि महाराष्ट्र की राजनीति में बुजुर्ग नेता शरद पवार जी एक बड़ी ताकत हैं, उनकी पार्टी बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है एनसीपी, लेकिन शरद पवार के बाद एनसीपी में उत्तराधिकार की लड़ाई का छिड़ना अवश्यंभावी है, अजित पवार सुप्रिया। तो सुप्रिया और अजित पवार इन दोनों के बीच में अगर लड़ाई छिड़ती है तो एनसीपी खत्म हो जाएगी या बिल्कुल एक छोटे छोटे गुट में विभाजित हो जाएगी। और इन केस अगर नहीं भी लड़ाई छिड़ती है, दोनों भाई बहन मिल के काम करते हैं, तो भी शरद पवार के राजनीति से रिटायर होने के बाद एनसीपी का वो आधार, वो जो बड़ी ताकत, वो नहीं रह पाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि एकनाथ शिंदे के रूप में उनको एक ऐसा मराठा नेता भी मिल रहा है जो शरद पवार की जगह ले सकता है और एनसीपी को भी एक तरह से बेमतलब कर सकता है या कमजोर कर सकता है। तो ये कुछ पहलू थे जिनकी वजह से शिव सैनिक एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने अपना भी नेता माना और उनको मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी है। अब दोस्तों देखना यह है कि ये जो पहलू है, ये जो फैसला है, ये जो डिसीजन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये कितने दिनों तक कामयाब हो पाता है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि देवेंद्र फडणवीस के जिम्मे फाइनेंस मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री, इन दोनों में कोई भी मिनिस्ट्री मिल सकती है। इसके अलावा और भी जो मंत्रालय हैं, खासकर जनता के लिए जो जरूरी माने जाते हैं, वो भी बागडोर उनके हाथ में होगी। लेकिन शिंदे जो ग्रुप है शिवसेना का, उसमें से ज्यादातर लोगों को मंत्री पद दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मंत्री पद कम दिया जाएगा चीफ मिनिस्टर बनने के नाम पर, उनमें भी काफी लोगों को मंत्री बनाए जाने की बात है, कुछ को राज्य मंत्री बनाए जाने की बात है, कुछ को अन्य कॉरपोरेशंस वगैरह में एकोमोडेट करने की बात है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है, भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर शिवसेना को नेस्त्राभूत करना चाहती है और शिवसेना के मुख्यालय पर, शिवसेना की पूरी ताकत या पूरे संगठन पर वह स्वयं काबिज होना चाहती है। एकनाथ शिंदे उसके लिए एक सीढ़ी के रूप में सामने है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।